स्टूडेंट्स, हम सेपरेशन मेथड सीख रहे थे, राइट। सेपरेशन मेथड में सबसे पहले हमने इवापोरेशन मेथड देख लिया, जो डाई में से अलग करने के लिए इवापोरेट किया था वो। फिर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन देखा, जो मिल्क और क्रीम को अलग करने के लिए यूज़ होता है, राइट। उसके बाद दो इमिसिबल लिक्विड जो मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल एंड केरोसिन, उसको सेपरेटिंग फनल से अलग करना है, वो मेथड देखी थी, राइट। अब उसके बाद एक और मेथड है, उसको देखते हैं कि इस द डाई इन अ ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। जो ब्लैक इंक में जो डाई होती है वो सिंगल कलर में होती है, क्वेश्चन पूछा है। तो उसके लिए एक्टिविटी दी है कि टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर लेना है, उसकी एक थिन स्ट्राइप, छोटी पट्टी ऐसे लेनी है, देखो ये थिन स्ट्राइप। ड्रॉ अ लाइन ऑन अ यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। इसकी जो लोअर एज, नीचे वाली जो एज होती है, उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ड्रॉ कर दी। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, वाटर सोल्यूबल, दैट इज फ्रॉम स्केच पेन और फाउंटेन पेन, इन द सेंटर ऑफ द लाइन, लेट इज ड्राई। अब उसके सेंटर में एक ड्रॉप पॉइंट्स रखना है, वो पॉइंट्स जेल पेन जो होती है उससे रखना है या स्केच पेन से रखना है, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लोअर द फिल्टर पेपर इंटू जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब, कुछ भी ऐसे जार, टेस्ट ट्यूब, बीकर, कुछ भी लेना है, और उसको कंटेनिंग वाटर सो दैट ड्रॉप ऑफ इंक ऑफ द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। नीचे पानी रखना है और पानी के थोड़े लेवल से ऊपर रहे, ऐसे इसको रखना है, ये ड्रॉप ऊपर रहना चाहिए। सिर्फ ये स्ट्राइप जो है फिल्टर पेपर पट्टी, वो थोड़ी नीचे अंदर डूब जानी चाहिए, बाकी वाला पार्ट्स ऊपर रहना चाहिए, पानी में नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या होता है कि उसको लीव इट अनडिस्टर्ब, उसको थोड़ा टाइम अनडिस्टर्ब रहने दो, तो होगा क्या अपने आप, देखो, वॉच केयरफुली। तो ये पानी जो है ना, ये स्ट्रिप एब्जॉर्ब करेगी और पानी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। पानी धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो पानी जैसे फिल्टर पेपर के ऊपर तो कुछ नहीं, पर यहाँ पे जो इंक है वो कलर से बनी हुई है, तो वो धीरे धीरे पानी में डिजोल्व होगा और वो कलर स्प्रेड होता जाएगा। क्या होता जाएगा? स्प्रेड होता जाएगा। तो इसमें नीचे फिर क्वेश्चंस दिया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेज ऑन इट। वाटर इसके ऊपर राइज होगा तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया? तो वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, द पार्टिकल्स ऑफ इंक ऑल्सो राइजेज। जैसे वाटर राइज होगा ना, तो उसके साथ साथ इंक के पार्टिकल्स भी पानी में डिजोल्व होकर अलग होकर ऊपर जाएंगे। इंक के जो पार्टिकल्स यहाँ थे वो धीरे धीरे, वाटर ऊपर जाएगा तो उसके साथ साथ वो भी ऊपर जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि डू यू ऑप्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्राइप, अलग डिफरेंट कलर ऑप्टेन होते हैं उस पर। तो डिफरेंट कलर्स आर ऑप्टेन ऑन द फिल्टर पेपर, इंक कंटेंट्स डाई मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स। ये याद रखना है कि डिफरेंट कलर्स ऑप्टेन हो गए। डिफरेंट कलर इसलिए ऑप्टेन होते हैं कि जो इंक जो बनती है ना, वो टू और मोर कलर, दो या उससे ज़्यादा कलर से बनी हुई होती है। जब केमिकली उसका फॉर्मेशन होता है, कहीं पे भी इंक बनाते हैं इसकी फैक्ट्री में, तो उसमें दो कलर मिक्स करते हैं तब वो इंक बनती है, राइट। वॉट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीज़न फॉर दिस राइज ऑफ कलर स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो ये लिखना है कि द राइज ऑफ द कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप सो दैट द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ द इंक आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब कि ये वाटर, ये जो इंक का कलर है वो पानी के साथ ऊपर राइज क्यों होता है? तो सिंपल है कि जब वो राइज इसलिए होता है कि ये जो है वो इंक वाटर में क्या है, डिजोल्व है, डिजोल्व हो जाता है, इसीलिए वाटर के साथ साथ ऊपर जाता है। अगर डिजोल्व नहीं होता तो वो ऊपर नहीं जाता, राइट। तो इसमें भी फिर अलग अलग कलर है समझो, तो जो पार्ट मोर सोल्यूबल होगा, मोर सोल्यूबल पार्ट राइजेस फास्टर, जो जब सबसे ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगा वो ऊपर जल्दी जाएगा एंड गेट सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर, और वो मिक्सचर से अलग हो जाएगा। तो ये दो और या उससे ज़्यादा कलर से मिक्स होकर डाई बनी होती है, उससे ये ऑब्जर्वेशन याद रखना है एकदम, राइट। तो आगे देखते हैं इसमें पैराग्राफ कि द थिंग दैट वी यूज हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड डाई इज द सोल्यूबल इन इट। सिंपल इसमें यही हुआ कि वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट और डाई सॉल्यूबल। एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलोंग विद इट ऑन द डाई पार्टिकल्स। वाटर जब फिल्टर पेपर के ऊपर राइज होता है तो फिल्टर पेपर टेक्स अलोंग विद द डाई पार्टिकल, डाई के पार्टिकल को भी वाटर क्या ले जाता है, ऊपर ले जाता है, क्योंकि वो पार्टिकल उसमें डिजोल्व हो जाता है, वो सॉल्यूट है समझो। तो यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर, यूजुअली डाई क्या है, टू और मोर कलर का मिक्सचर होता है। तो द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, जो मैंने अभी बताया कि जो कलर्ड कंपोनेंट होते हैं उसमें जो मोर सोल्यूबल होता है,
जो ज़्यादा सोल्यूबल होता है, जो पहले सोल्यूबल हो जाए ऐसा होता है, राइजिस फास्टर, वो जल्दी ऊपर जाएगा। एंड दिस वाई वे द कलर्स गेट सेपरेट, इसकी वजह से कलर अलग हो जाएंगे। जो ज़्यादा सोल्यूबल है वो ऊपर जाएगा और उससे नीचे जो कम सोल्यूबल है वो रहेगा, तो वो कलर का क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाएगा, राइट। अब देखो, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ये जो प्रोसेस लिया हमने इंक में से अलग करने का, इस प्रोसेस का नाम है क्या है, क्रोमेटोग्राफी, राइट। तो सबसे पहले हमने सेपरेशन में क्या देखा, क्या देखा, इवापोरेशन, क्या देखा, इवापोरेशन। दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, मिल्क वाला, क्या देखा, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमने क्या देखा, इमिसिबल सब्सटेंट वाला सेपरेटिंग फनल, क्या देखा, सेपरेटिंग फनल। एंड देन क्रोमेटोग्राफी, ये फोर्थ मेथड है। सेपरेशन की अलग अलग मेथड्स होती है कि जो किसी भी सब्सटेंस में से उसके कंपोनेंट को अलग करना है, तो ये फोर्थ मेथड है क्रोमेटोग्राफी। मतलब वो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है, राइट। तो ये चार मेथड हो गई, ये क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमा इज अ ग्रीक मीन्स कलर, क्रोमा एक ग्रीक, उसका ग्रीक में मीनिंग होता है ये वर्ड का कलर। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो इट्स नेम वॉज गिवन। ये कलर को अलग करने के लिए फर्स्ट ये टेक्निक यूज हुई थी, तो क्रोमा के ऊपर से इसका नाम दिया है क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम दिया है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन अ सेम सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूट्स के लिए यूज होती है जो सेम एक ही सॉल्वेंट में दो तीन सॉल्यूट डिसॉल्व हुए, तो उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज होती है। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, न्यूअर टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। अब एडवांस टेक्नोलॉजी में इसकी न्यूअर टेक्निक डेवलप हो गई। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस। ये जो क्रोमेटोग्राफी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो हायर क्लासेस में तुम सीखोगे, राइट। उसके एप्लीकेशंस, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, डाई में से कलर को अलग करने के लिए यूज होती है। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, जो नेचुरल कलर्स होते हैं उसके पिगमेंट को अलग करने के लिए यूज होता है। ब्लड में से ड्रग को अलग करने के लिए, ये तीन इसके यूजेस है, किसके, क्रोमेटोग्राफी के, राइट। तो ये था क्रोमेटोग्राफी, जो फोर्थ मेथड था। अब उसके बाद और नई मेथड आई, वो है फिफ्थ मेथड। देखो उसमें कौन सा सब्सटेंस अलग कर देता, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो गए तो उसको कैसे अलग करेंगे, तो उसकी प्रोसेस है ये, राइट। तो इसमें सबसे पहले एक्टिविटी दी है यहाँ पे भी, देखो कि सबसे पहले लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। ये दोनों एसीटोन एंड वाटर, वाटर तो तुम्हें पता है लिक्विड है, ये एसीटोन भी लिक्विड होता है, इसे मेनली प्रोपेनॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन। तो ये दोनों को मिक्स कर दो तो उसको अलग कैसे करेंगे, तो टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क फिट विद द थर्मोमीटर। इसका डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेना है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये जो दिखाई देता है ना वो, इसमें यहाँ पे मिक्सचर लिया है एसीटोन एंड वाटर का, ये मिक्सचर लिया है, राइट। अरेंज द अपैरेटस ऑन सोन इन फिगर। फिर इसको ऐसे अरेंज करना है, एक स्टैंड से यहाँ पे इसको टाई कर देना है, नीचे बर्नर जिससे हीट देनी पड़ेगी, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये क्लैंप, ये थर्मोमीटर ऊपर रखना है जिससे हमें टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है। गर्मी का गर, यहाँ से हीट देंगे तो टेम्परेचर कितना हुआ वो ऑब्जर्व करना है। फिर ये यहाँ से पूरा एक कंटेनर है जो वाटर आउटलेट, यहाँ से वाटर बाहर जाता है, ये वाटर बाहर जाएगा, अंदर से वाटर अंदर जाएगा, ये जो है ना यहाँ से ठंडा पानी डालेंगे, फिर पानी गर्म हो जाएगा तो यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। वाटर कंडेंसर है, इसका नाम क्या है, वाटर कंडेंसर। फिर उसमें से ये अलग एसीटोन यहाँ आएगा, पर वो कैसे आएगा वो बाद में देखते हैं। देखो, हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। धीरे धीरे इसको क्या करना है, हीट देना है और थर्मोमीटर पे टेम्परेचर चेक करना है। द एसीटोन वेपराइज कंडेंसिस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो एसीटोन जो है वो क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका आ जाए तो वो बॉइल हो जाएगा, तो वो बॉइल होके क्या बनेगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और गैस फॉर्म में यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पे ठंडा पानी डाला है तो गैस यहाँ से जाएगी, तो यहाँ पे वाटर ठंडा है, ठंडा पानी है मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, तो ये एज ए फ्रीज, फ्रीज फ्रीज जो होता है हमारा, वो क्या काम करता है कि पानी को बर्फ़ बनाता है। इसी तरह यहाँ गैस है उसको
धीरे धीरे लिक्विड बना देगा, क्या बना देगा, लिक्विड बना देगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ हाई था, यहाँ टेम्परेचर लो हो गया, टेम्परेचर लो होते ही ये एसीटोन फिर से इसका जो ओरिजिनल सिचुएशन फॉर्म था वो फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट होके यहाँ से आउटलेट से बाहर यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ एसीटोन अलग हो जाएगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, तो वाटर नीचे रह जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा एसीटोन। बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होता है वो पहले बॉइल होके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो कंडेंसेसर में लिक्विड बन के फिर से अलग हो जाता है। तो ये एक मेथड थी, राइट। तो अब इसमें क्या होता है उसके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। देखो हेलो, देखो ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सर। मिक्सर को हीट देना स्टार्ट करोगे तो क्या ऑब्जर्व होगा, तो सिंपल है कि जब भी लिक्विड को हीट दो तो वो बॉइल होना शुरू हो जाएगा, तो वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, राइट। वो टेम्परेचर जो थर्मोमीटर में वो राइज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम्स कॉन्स्टेंट फॉर सम टाइम्स। कुछ टाइम के लिए कौन से टेम्परेचर पर थर्मोमीटर क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो 56 डिग्री सेल्सियस टाइम पे, क्योंकि एसीटोन जो उसमें होता है उसका ये बॉइलिंग पॉइंट है, किसी भी बॉइलिंग पॉइंट पे अगर थर्मोमीटर जाएगा तो वो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट होता ही रहेगा, जब तक वो पूरा एसीटोन बॉइल नहीं हो जाए तब तक वो टेम्परेचर एज इट इज़ रहता है, तो ये 56 डिग्री पे कॉन्स्टेंट रहता है। ये कॉन्स्टेंट रहता है मतलब क्या हुआ, वॉट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, तो वो 56 डिग्री सेल्सियस हो गया, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 56 डिग्री। व्हाई डू वी टू कंपोनेंट सेपरेट, हमको टू कंपोनेंट सेपरेट क्यों करते हैं और क्यों कर सकते हैं यहाँ पे, तो बिकॉज दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है इसलिए हम करते हैं, राइट, कर सकते हैं, नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होता तो नहीं कर सकते। अब ये जो मेथड थी वो क्या थी, देखो कि द मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, ये मेथड पूरी क्या है, डिस्टिलेशन, इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। ये ऐसे दो लिक्विड मिसिबल हो एक दूसरे में उसको अलग करने के लिए यूज होता है, और ये ऐसे लिक्विड होने चाहिए जिसको गर्म करो तो जिसका डिकम्पोजिशन ना हो, डिकम्पोजिशन, राइट, और इसका ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का, डिफरेंस इज देयर बॉइलिंग पॉइंट्स सफिशियंट, थोड़ा ही डिफरेंस होना चाहिए, तो इसमें ये डिस्टिलेशन मेथड यूज होता है। द सेपरेट ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। 25 केल्विन से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोनों, जैसे वाटर एंड एसीटोन है उसके बीच का डिफरेंस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको इजीली डिफरेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज फॉर एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस जो होते हैं एयर में उसको अलग करने के लिए भी ये प्रोसेस यूज होता है। डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होती है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, केरोसिन, नेपथेलिन, ऑयल, गैस, डीजल, ये सब अलग अलग करते हैं, उसमें भी यही मेथड यूज़ होता है जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ होता है, जिसमें फ्रैक्शनल टावर यूज़ होता है बीच में, जो 8 स्टैंडर्ड में हमने डायग्राम के साथ ड्रॉ किया था, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फ्रैक्शंस में अलग अलग सारे सब्सटेंस हुए थे, राइट। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक होता है जो कंडेंसर और फ्लास्क के बीच में फिट किया होता है, क्या होता है, कंडेंसर और फ्लास्क के बीच में फिट कर दिया होता है, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड, ये एक सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है वो ट्यूब से बना होता है, उसके आसपास क्या होता है, ग्लास बीड्स। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस, बीड्स क्या देता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, किस लिए, फॉर वेपर टू कूल, वेपर यहाँ से जाएगी उसे ठंडा होने के लिए, एंड कंडेंस लिक्विडली, और यहाँ फिर उसका कंडेंसेशन होकर वो वाटर बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी ट्राइग्राम ड्रॉ करके दिया है, देखो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यहाँ पे फ्लास्क था और ये कंडेंसेसर, बीच में ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड कर दिया, अब यहाँ से मिक्सचर जो है वो हीट दो तो गैस बन के यहाँ जाएगा, यहाँ उसको सरफेस मिलती है जिससे वो गैस में से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, फिर धीरे धीरे यहाँ जाएगा कंडेंसेसर में, यहाँ ठंडा पानी, वाटर, कूल वाटर, कोल्ड वाटर होता है, तो कोल्ड वाटर इसे ठंडा कर देता है, यहाँ पे ये पानी जब गर्म हो जाता है यहाँ से इसको निकाल के फिर इसे ठंडा पानी ऐड कर दे, तो ये ठंडा पानी है तो ये जो गैस होता है वो ठंडे पानी के आसपास आएगा तो वो टेम्परेचर लो होता है तो वो फिर से लिक्विड बन जाएगा और नीचे जो एक वेसल है वहाँ पे अलग हो जाएगा, इसी तरह ये डिस्टिलेशन होता है। तो ये क्या था, डिस्टिलेशन मेथड। तो आज हमने दो मेथड सीखी वो याद रखनी, एक डिस्टिलेशन मेथड सीखी और उसके पहले जो हमने मेथड सीखी सेपरेट करने के लिए टू डाइस डाइस वाली मेथड वो याद रखनी, राइट। तो ये सारी मेथड जो है वो क्या है, सेपरेशन मेथड से, क्या है, सेपरेशन मेथड।
ये सब के डायग्राम ड्रॉ करने और उसके जो ऑब्जर्वेशंस के क्वेश्चंस दिए वो और उसके आंसर वो तुम्हें लिखने, राइट, ये कंपलसरी लिखने, उसके आंसर लर्न भी करने।